नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अधिकारियों से अनुमति पास मिलने के बाद ही शादी समारोह में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए गाइडलाइन भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। शादी समारोह में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है और बिना अनुमति पास के शादी समारोह में शामिल होने के लिए लोगों पर अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। राजधानी पटना में बिना अनुमति के शादी समारोह में दूल्हे राजा शादी करने के लिए जा रहे थे। बैंड बाजे के साथ शादी समारोह में दूल्हे राजा बिना अनुमति के शादी विवाह पटना के कच्ची दरगाह से करने के बाद वापस अपने घर दानापुर के लिए लौट रहे थे कि रास्ते में बाईपास 4 लाइन के पास ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जाँच चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। आज सुबह लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सुबह से ही पुलिस अधिकारी की टीम सड़कों पर परिवहन जांच में जुटी हुई है, जहां दूल्हे राजा बिना अनुमति पास के शादी करके दुल्हन को अपने साथ वाहन से ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। तस्वीर में देख सकते हैं, दूल्हे राजा के पास अनुमति पास नहीं है, जाली पास लेकर दूल्हा राजा शादी करने निकल गया था और पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में दूल्हे राजा से 2000 का फाइन जमा करवाया करने के लिए बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि कई देर से जब उनको बोला गया तब दूल्हे राजा संजय कुमार ने 2000 फाइन ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को दे दिया। दूल्हे राजा संजय कुमार बता रहे हैं कि लॉकडाउन में शादी करना महंगा पड़ गया है और 3 दिनों से बिना पास के इधर उधर घूम रहे हैं, कई जगह पुलिस को पैसा भी देना पड़ा है। कौन थाना का है? क्या दिक्कत हुआ अभी? कहाँ पे गाड़ी रोका हुआ? अनुमति लेके नहीं आए लिए? अनुमति लेके लिए लेकिन डुप्लीकेट मिला था। डुप्लीकेट अनुमति मिला था थाना से? साइन ओरिजिनल नहीं किया था, डुप्लीकेट ना था। मोहर मारा रहा था तभी ऐसा तकलीफ नहीं ना था। कितने जगह गाड़ी रोका गया आपको? रात से 3 जगह कौन कौन सो दिया। और अभी मारे अभी कितना अभी भरे? 2000। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। कहाँ से शादी कहाँ करने के लिए गए थे आप? शादी करने काफी दर कहाँ से रहने वाले हैं? दानापुर। क्या नाम हुआ?